सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्यार लव। मैं निम्न स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निम्न ब्लॉग पे। मैं वैसे कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करती हूँ आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हम लोग भी काफ़ी बढ़िया हैं। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 7:30 बजे। तो आज के मौसम की बात करें तो आज का मौसम मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा है। तो आज ना चारों तरफ पूरा कोहरा लगा हुआ है और ऐसा लग रहा है जैसे कि ठंडे के दिन आ चुके हैं। तो देखो पूरा कोहरा लगा हुआ है और आजकल ना खेत पूरे खाली हो गए हैं। उसके बाद ना इसमें मकड़ी के जाले लग चुके हैं, वाइट वाइट से दिख रहे हैं। तो बोलते हैं जैसे ही मकड़ी के जाले लगते हैं उसके बाद धूप ही धूप होती है। तो आज फिर से मैंने दुकान की छुट्टी करी हुई है क्योंकि आज हम काट रहे हैं अपना घास और आज हमने फाइनल करना हुआ है। तो आज मेरी मम्मी भी आई हुई है और दीदी भी आ रही है। तो यहाँ पे सासू माँ और मम्मी दोनों काटने लग गए हैं। ये देखो दोनों समझे हैं, काटने लग गए हैं यहाँ पे घास। तो गाइस थोड़ा बहुत घास तो मैंने काट दी है और अब मैं थोड़ा सा जा रही हूँ घर को क्योंकि घर जाके ना मुझे रोटी बनानी है। तो सामने रहा हमारा घर और ये रहा हमारा खेत। तो इतना काट दिया है तो फटाफट से चलती हूँ मैं घर और बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। अभी ना पूरे तरीके से धूप निकल चुकी है, ये देख सकते हैं मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। यहाँ से हल्के बादल है और पूरा आसमान नीला और आसमान का कलर और हमारे घर का कलर सेम हो रहा है, ये देख सकते हैं। तो अभी नहा धो के मैं भी हो चुकी हूँ तैयार। अब मैं भी फटाफट से बना लेती हूँ नाश्ता। सुबह इस नाश्ता वास्ता तैयार करने के बाद मैंने पापा और हस्बैंड जी को भी नाश्ता वगैरह करा दिया और किचन का सारा काम भी निपटा दिया है। तो मैंने पूजा भी कर ली है। तो अब चलते हैं खाना लेके खेत में। फिर से मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने लुक में क्योंकि खेतों में ना बहुत ज़्यादा कुंवर लग जा रहे हैं। तो मैंने ना एक ही ड्रेस करी है ये वाली। तो यहाँ से मैं भून लेती हूँ अभी ठंडा ठंडा सा पानी। अपना देखो, अपना देखो, सो गाइस देखो माइक भी यूज कर रही है। माइक अभी यूज नहीं किया है, काम के साथ साथ व्लॉगिंग भी जरूरी है। तो ये देखो दोनों समझौने ने काट दिया है। हाँ कितने ज्यादा दीदी भी आ चुकी है मेरा घास काटने के लिए और मम्मी भी काट रही है। 52 किलो दूध देती है वो ऋतु की जैसे 52 किलो। रितु भाभी बोलती है हमारी 52 किलो दूध देता है गाय करके। 52 किलो दूध दे रखी है, 25 किलो लगा रखा है, 25 किलो घर में खा रहे हैं। हाँ फिर तो मम्मी वो खोया बना रहे, खोया बना के बेच रहे हैं और मम्मी तो हमें कुछ बोल ही नहीं रही है। और मम्मी काफी दिनों बाद मेरे ब्लॉग में आ रही है काम करने में, सुधो रखा उसको। चलो पहले खाओ तो सही। कैसे हो आप? बड़ों को मेरे प्रणाम, छोटों को मेरे प्यार। आज मैं अभी निम्मी के वहाँ आई हूँ थोड़ा घास खाने के लिए। निम्मी तो आई नहीं, मैं आ गई। कहाँ हो लगे है? हाँ। और फायदे से गाइस फायदा ना क्या कहते हैं उसका नाम, चीते मैं तो बोल हग लड़की का बोलना ही भूल जा रही हूँ। आज के कायदे से निम्मी का फायदा बनता था, मतलब इसका हक बनता था हमारे यहाँ घास काटने के लिए और ये उल्टा हमें घास काटने के लिए बुला रही है। देखो गाइस कैसा, तो गाइस नाइंसाफी कर रही है हमारे साथ, मेरी साथ और मेरी मम्मी के साथ। तो मैंने अभी काटी नहीं है ना, इसीलिए कुछ दिनों बाद मैं भी आ जाऊंगी तुम्हारे वहाँ। हाँ फिर आए हम इसके यहाँ आए हैं और हम परसों इसको 3 दिन अपने वहाँ बुलाएंगे क्योंकि हमारे वहाँ बहुत ज्यादा घास काटनी है। हाँ तो मेरी सासू माँ को ले जाना घास काटने। मस्त घाघाटू कह रही मेरी सासू माँ। देखो पढ़ ले रही हो। नाश्ते बने हैं आज। कैसे हो? पत्ता गोभी और आलू की सब्जी और रोटी। गरिमा आज हमारे यहाँ आए हैं घास काटने, अगले साल अपने ससुराल में काटेंगे। इनके तो ऐसे है वहाँ घास काटने के लिए, हमारे वहाँ आ देंगे अगले साल। ठीक हो गया, तुम अगले साल इससे दुगना लेना। ससुराल में कभी किसी के ऐस हुए? ये तुमने तो तुमने ऐश किए नहीं किए ना, ससुराल में कभी ऐश नहीं हो सकते हैं। सो गाइस आप पी लेते हैं चाय और मिश्री का कटक। तो पहाड़ी कुछ इस तरीके से चाय पीते हैं देखो हम लोग। तो गाइस नाश्ता वगैरह कर लिया है और अब लग जाते हैं काम पे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं घास काटना। सो गाइस टाइम हो चुका है 11:30 बजे का और यहाँ पे दीदी ने अपना हाथ काट लिया है, सासू माँ हाथ में पट्टी करते हुए पहाड़ी दवाई लगाते हुए और यहाँ पे मम्मी कराती में धार लगा रही है
और अब मम्मी जाएगी घर को क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30 बजे। तो दगड़े देखो मलिबा पड़ा था घाम और तलिबा हम काटने धोमक घा जो तो आफत उन्हें उन्हें लग रहा है पर क्या करिए घाला काटाना भाई। और धड़ा धड़ यहाँ पे मैं घास दड़का रही हूँ देख सकते हो गाइस। टाइम भी हो चुका है 12:20 का और अभी ना हम पहाड़ी में काट रहे हैं तो काफी रिस्क भी हो रहा है। सारा ऊपर निखावट सा हो रखा है ऊपर से नीचे को ऐसे इस ढलान है इसमें तो इसी पर काटना है। अभी थोड़ा जा चुके हैं घर को क्योंकि वो बनाएंगे और दीदी यहाँ पे काट रही है। तो फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 2 बजे का तो घास कट चुकी है हमारी पूरी तरीके से। अब है घास डालना और काफ़ी ज़्यादा धूप भी लग चुकी है तो आजकल ना पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा काम हो रखा है। और ये देखो ऊपर से लेके इस साइड से लेके पूरा इधर से लेके इस पेड़ के उस तक वहाँ तक हमने काटा मतलब पूरा और नीचे खेत भी पूरा काट लिया है। और अब घास भी ना पूरी तरीके से सूखने लग गई है तो सासू माँ ने भी बना दिया होगा खाना तो पहले खाना खा लेते हैं उसके बाद घास। तो गाइस सब कर लेते हैं दिन का लंच और खाने में आज राजमा है और चावल साथ में है मूंगफली की चटनी। टाइम हो चुका है 3:30 बजे का और दिन का लंच वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है। बाकी मैं धो रही थी अभी खाने के बर्तन वगैरह सारे तो मम्मी लोग चले गए हैं खेत मम्मी और दीदी और मेरी मम्मी तो पहले ही चली गई थी। और अभी ना इतनी तेज़ धूप हो रही है देखो एकदम कड़क वाली धूप देखो सूर्य देवता सामने दिख रहे हैं काफी धूप हो रही है और मौसम तो देखो कितना ऑसम हो रखा है। फाइनली गाइस टाइम हो चुका है 5:30 बजे का और हालत कैसी हो गई है हालत देख सकते हैं कैसी हो चुकी है। और दीदी को भी बहुत बहुत थैंक यू बहुत बड़ा वाला थैंक यू क्या हमारे में भी आएगी काटने के लिए इसलिए मैं भी आएंगी तो जो भी है तूने मेरी हेल्प करी थैंक यू से काम नहीं चलेगा बहन तूने भी मेरी हेल्प करनी है और मैंने भी तेरी हेल्प वो तो मैं करूंगी। जब हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम आगे और बहुत सारे काम कर सकेंगे क्योंकि बिना किसी की सहायता से हम कोई भी काम इजीली नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे का साथ दे के कोई भी काम करने में बहुत मजा आता है और साथ साथ में अगर मिलके कर रहे हंसते गाते हुए सब कुछ करते हैं बहुत जल्दी काम हो जाता है। हाँ जल्दी हो जाता है जल्दी भी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने डाला था तो एक लूटा मैंने ये डाल रखा है इस वाले पेड़ में और ये काफी ज्यादा हिल रहा था पेड़ और ये है 29 का और एक लूटा मैंने इस वाले पेड़ में डाला इस वाले पेड़ में मिहल का ये भी बहुत ज्यादा हिल रहा था क्योंकि ये भी छोटा छोटा सा था लेकिन लूटा नीचे से ही लगा रखा ऊपर तक काफी बड़ा हो रखा है। तो अब चलते हैं और चाय वगैरह पीते हैं काफी ज्यादा थकान भी हो चुका है हमारा साहस भी बहुत फाइनल हो चुका बस थोड़ा सा बचा है वो तो साथ में थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। मैं जाऊँगी एक दो दिन बाद मम्मी के वहाँ पे क्योंकि मम्मी भी मेरी हेल्प करके गई थी और माँ तो ऐसी चीज़ है ना गाइस मतलब दुनिया में सबसे अच्छा जो रिश्ता है ना वो माँ का है। देखो मम्मी ने सोचा कि वो रोज़ दुकान जाती है और फिर उसके बाद नहीं हो पाता मतलब 2-3 दिन मैंने छुट्टी करी तो उसने ना फिर भी अपना छोड़ के मेरा हेल्प करने आई तो ये होती है माँ। और ये देखो इतना काटा था हमने पूरा यहाँ से लेके यहाँ यहाँ तक सारा ये देखो